आज की इस वीडियो में हम श्रीदेवी की फिल्म नगीना से जुड़ी 15 अनसुनी और रोचक बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है इनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। नगीना 28 नवंबर 1986 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन हरमेश मल्होत्रा ने किया था। इसके अलावा फिल्म को हरमेश मल्होत्रा ने प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा जैसे कई बड़े सितारे शामिल थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। आपको बता दें, नगीना साल 1986 में रिलीज हुई दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। पहले स्थान पर सुभाष घई के डायरेक्शन में बनी फिल्म कर्मा थी, जिसमें दिलीप कुमार, नूतन श्रीदेवी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में थे। इस फिल्म का म्यूजिक उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। खासकर फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। बता दें, इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मिलकर कंपोज किया था। फिल्म के रिलीज होने से पहले अधिकांश लोगों का यह कहना था कि यह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि उस दौरान अधिकांश फैमिली फिल्में बना करती थी और इस तरह की फिल्में इससे पहले काफी ज्यादा पसंद नहीं की गई थी। लेकिन यह फिल्म उम्मीदों से कहीं बेहतर निकली और दर्शकों ने फिल्म को खूब सराहा। नगीना की सफलता के बाद साल 1989 में निगाहें नाम से इस फिल्म का सीक्वल भी बनाया गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी के अलावा सनी देओल को लीड रोल में लिया गया था। बाकी नेगेटिव रोल में अनुपम खेर नजर आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिल्म के सीक्वल निगाहें के बाद निर्माताओं ने फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनाने की भी योजना बनाई थी, लेकिन यह फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई। बता दें, तीसरे पार्ट का नाम नगमे रखा गया था। श्रीदेवी से पहले इस फिल्म में लीड रोल बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा को दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। बताया जाता है कि उन्हें सांपों से बहुत डर लगता था, इसी वजह से उन्होंने यह रोल ठुकरा दिया। फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा अपनी हर फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजीत को जरूर लिया करते थे, लेकिन नगीना बनाने के समय वो फिल्मों से संन्यास ले चुके थे, इसलिए फिल्म में अजीत को ऋषि कपूर के स्वर्गीय पिता के तौर पर दिखाया गया था और कई सीन में उनकी फोटो भी देखने को मिलती है। श्रीदेवी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स डांस सीक्वेंस में तेरी दुश्मन उनका सबसे फेवरेट डांस रहा है। श्रीदेवी ने इस गाने के बारे में यह भी खुलासा किया था कि यह गाना फिल्म की शूटिंग के सबसे आखिरी दिन शूट हुआ था। ठीक एक दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर हरमेश ने कोरियोग्राफर सरोज खान और श्रीदेवी को अगले दिन सुबह 7 बजे सेट पर आने के लिए कहा था, जबकि श्रीदेवी उस दिन सुबह 6:30 बजे ही पहुंच गई थी। शूटिंग का आखिरी दिन होने की वजह से क्रू मेंबर्स और फिल्म की टीम ने पूरे सेट को तोड़ दिया था, इसलिए फिल्म का क्लाइमैक्स डांस सीक्वेंस श्रीदेवी को सिर्फ एक दीवार के सामने ही करना पड़ा था। मशहूर वेबसाइट याहू और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह भारतीय सिनेमा की टॉप 10 स्नेक फिल्मों में से एक है। पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने फिल्म नगीना को 10 में से 6 की जबरदस्त रेटिंग दी हुई है। आपको बता दें, फिल्म में श्रीदेवी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्मफेयर की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बॉलीवुड के दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।